भाई, मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं श्रावण मास की शिवरात्रि पर विशेष शिव पूजा के बारे में। वर्ष की दो बहुत विशेष शिवरात्रि आती हैं, जो एक महाशिवरात्रि माघ मास में आती है और दूसरी है श्रावण मास की शिवरात्रि। श्रावण मास की शिवरात्रि का प्रचलन और इसकी भव्यता उत्तर भारत में ज्यादा देखी जाती है। कांवड़िए जल लेकर के आते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। अनेक जो तीर्थ है वहां से जल लाया जाता है, हरिद्वार से जल लाया जाता है और शिव मंदिरों में जाकर के अभिषेक किया जाता है। बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। अब जो शिव भक्त इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस श्रावण मास में लगभग हर एक दिन या फिर एक दो दिन छोड़ करके कोई ना कोई शिव उत्सव आ ही रहा है। तो ये एक बहुत अद्भुत जो उत्सुकता और जो एक्साइटमेंट शिव भक्तों के हृदय में रहता है, ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। सभी शिव भक्त शिव पूजन के लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही ये वीडियो हम प्रारंभ करें इससे पहले आप सभी शिव भक्तों को सूचित कर दूं कि अब जल्द ही एक दो वीडियो में ही जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो सब होने वाले हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर के आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्द ही उसके रिगार्डिंग उत्तर आपके एक वीडियो में मैं सभी शिव भक्तों को दूंगा। तो जो भी आपके हृदय में डाउट है शिव पूजा से लेकर के, वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में जाकर के लिख सकते हैं। साथ ही जो भी शिव भक्त क्वेश्चन लिखने वाला है, जो भी प्रश्न लिखने वाला है, वो मुझे अवश्य बताएं कि उनकी खुद की शिव पूजा कैसी चल रही है, उनको कैसा अनुभव हो रहा है इस चैनल से जुड़ने के बाद। तो प्रारंभ करते हैं श्रावण मास की शिवरात्रि के बारे में, जो बहुत विशेष उत्सव है, जो 2 अगस्त शुक्रवार को पड़ रही है। साथ ही इस दिन सुबह 11 बजे तक आद्रा नक्षत्र भी व्याप्त रहेगा, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है। श्रावण मास की शिवरात्रि शुक्रवार और साथ ही आद्रा नक्षत्र सुबह 11 बजे तक, तो प्रयास करिए कि इस दिन आप सुबह सुबह ही शिव पूजन संपन्न कर ले। एक और चीज जो सभी शिव भक्त रेगुलरली पूछते रहते हैं, जो भी पूजाएं मैं आप सभी शिव भक्तों को यहाँ बताता हूँ, क्या उन्हें घर पर भी किया जा सकता है? तो बिल्कुल, आप सभी पूजाएं जो मैं यहाँ बताता हूँ वो आप अपने घर पर जो विराजित लिंगम है उस पर कर सकते हैं। वहां भगवान की पूजा अर्चना आप सभी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी भाव आप हृदय में संशय मत रखिए कि ये कर सकते, वो आप जो भी लिंगम है आपके पास उसी पर आप वो शिव अर्चन कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं श्रावण मास की शिवरात्रि पर। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक के बारे में। तो इस दिन आपको अभिषेक, एक तो सबसे पहले जो श्रावण मास का विशेष द्रव्य है वो गन्ने का रस, गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना है। गाय के, देसी जो गाय है उसके दूध से आपको भगवान का अभिषेक करना है। साथ ही इस दिन आपको केले के टुकड़े कर लेने हैं, साथ ही गन्ने के टुकड़े करने हैं और उसमें शहद मिला लेना है। केला, गन्ना और शहद, ये तीनों का मिश्रण करके आप भगवान का अभिषेक करें। साथ ही दही से भी आप भगवान का इस दिन अभिषेक करें। शुक्रवार का दिन होता है तो शुक्रवार के दिन दही से अभिषेक करने का अपने आप में एक महत्व है। और इसके साथ ही आपको इस दिन गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना है और उसके उपरांत फिर चंदन मिश्रित जल से आप भगवान का अभिषेक करें। चंदन, जो लकड़ी वाला चंदन होता है, उसको घिस करके जितना भी पेस्ट निकले उसे आप पानी में मिला लीजिए और फिर उस चंदन मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करिए। और ये पूरा अभिषेक आपको नमः सोणाद्रि नाथाय बोलते हुए करना है। नमः सोणाद्रि नाथाय, जो शिव भक्त पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं नमः सोणाद्रि नाथाय कहाँ जा करके कनेक्ट होता है। स्मरणात् अरुणाचले, अर्थात अरुणाचल जो कि स्मरण मात्र से ही मुक्ति देते हैं, उन अरुणाचल का एक नाम नमः सोणाद्रि नाथाय है। और इसी मंत्र के द्वारा माँ भगवती आदिशक्ति पार्वती ने अरुणाचल की आराधना करी थी। तो नमः सोणाद्रि नाथाय, जो कि एक बहुत प्रभावशाली और गुप्त मंत्र है, इसका आप सदैव हृदय में जाप भी कर सकते हैं और इससे आप लिंगार्चन भी कर सकते हैं। अरुणाचल से संबंधित जो पूजा अर्चना होती है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि अरुणाचल महात्मा में ऐसा मेंशन है कि स्मरण मात्र ही मुक्ति देता है। आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप बैठे हैं, अरुणाचल नहीं आ सकते, वहीं आप स्मरण करिए। केवल स्मरण ही इतना अधिक प्रभावशाली है। तो स्मरण करते हुए उस क्षेत्र में जहाँ भी आप हैं वहाँ लिंगार्चन करना उनके नाम से कितना अधिक प्रभावशाली होगा। तो इसलिए नमः सोणाद्रि नाथाय बोलते हुए आप ये सभी अभिषेक पूर्ण करें। अभिषेक के उपरांत शुद्ध सूती वस्त्र, साफ सुथरे सूती वस्त्र से आप लिंग को अच्छी तरह से पोंछ करके साफ करिए और भस्म का त्रिपुंड, एक सुशोभित, एक
भव्य और दिव्य, एक ऐसा त्रिपुंड जिसको देखते ही लिंगम पर जब भस्म त्रिपुंड आप बनाए तो जो भी देखे उसके मन में ऐसे भक्ति भाव उमड़ पड़े। इतना सुंदर तरीके से आप एक त्रिपुंड लिंगम पर अवश्य बनाए। और साथ ही त्रिपुंड से याद आया, सभी शिव भक्त जो पूजा करने जा रहे हैं, पुरुष सभी त्रिपुंड धारण करें और माताएं जो है वो भस्म डायरेक्ट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, त्रिपुंड बनाने की आवश्यकता नहीं है। त्रिपुंड की खास बात यह है कि देखिए हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र होते हैं, तो ये कितने छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं, जब आप भस्म धारण करते हैं इस प्रकार से, तो उस जिस एरिए में आपके मस्तक पर जितनी भस्म, जितने एरिए में भस्म लगती है, उस भस्म लगे हुए क्षेत्र में, उस जगह में जितने रोम छिद्र आते हैं उतने से वो लिंग पूजा का आपको फल प्राप्त होता है। बहुत अद्भुत महिमा है भस्म की। सभी शिव भक्त प्राउड होकर के बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करके सदैव भस्म धारण करें। आपकी पहचान आपके स्वामी के चिन्हों से होनी चाहिए और शिव पूजा में सदैव रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करें। तो भस्म रुद्राक्ष सुसज्जित होकर के हृदय में अरुणाचल शिव या केवल नमः शिवाय का जाप करते हुए आप सदैव विचरण करें। एक सिंह की भांति, एक शेर की भांति एक शिव भक्त को सदैव रहना चाहिए। बहुत विशेष दिन है तो इस दिन आप एक बंधनवार घर पर भी और हो सके तो शिवालय में भी आम्र पल्लव की बंधनवार आप शिवालय के द्वार पर अवश्य ही लगाएं। और इन जो आम्र पल्लव होंगे, जो आम के पत्ते होंगे, उन पर आप भस्म से त्रिपुंड बनाइए और बीच में कुमकुम से एक तिलक कर दीजिए। तो इस प्रकार हर एक पत्ते पर ये चिन्ह बना करके आप अपने घर पर इसे सजाइए, बंधनवार लगाइए और हो सके तो शिवालय में भी करिए, क्योंकि शिवालय में ऐसी चीजों का किया गया दान, ऐसा कार्य अनंत कोटि फल देने वाला होता है। अब बात करें स्तोत्रम की, तो इस दिन आपको अरुणाचल अष्टकम का पाठ अवश्य करना चाहिए। अरुणाचल अष्टकम का पाठ जो PDF लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और नैवेद्य की बात करें तो इस दिन आपको नैवेद्य आम की चटनी अवश्य ही आप देखिए। एक नैवेद्य के बारे में अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन जो होते हैं, जैसे चटनी हुई या फिर सब्जी रोटी हुई या फिर चावल हुए, खीर हुई, इनको भगवान को नैवेद्य देने में हमें क्या क्या पुण्य प्राप्त होता है उसके बारे में अलग से मैं डिटेल में वीडियो आप सभी भक्तों के लिए लेकर आऊंगा। किंतु अभी ये चीज आप सुन लीजिए, चावल गुड़ और घी ये मिश्रित आपको एक व्यंजन तैयार करना है और दूसरा होगा आम्र चटनी, आम की चटनी बना करके आप नैवेद्य स्वरूप भगवान के लिए भोग लगाएं। और फल भी आप यदि चाहें तो रख सकते हैं, बाद में फलों को आप शिव भक्तों में वितरित कर दीजिए। 11 बेलपत्र आपको नमः सोनाद्रिनाथाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाने हैं और साथ ही इस दिन आप शिवलिंग के आसपास में 27 दीप प्रज्वलित करें, तो 27 नक्षत्रों के प्रतीक होंगे। और प्रदक्षिणा आपको अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव बोलते हुए भगवान की 3 प्रदक्षिणाएं करनी है। हृदय में बिल्कुल वीर भाव करते हुए, बिल्कुल संतुष्टि रखते हुए, हर एक चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देते हुए आप बिल्कुल ऐसा सिंह भाव से बैठ करके त्रिशूल मुद्रा शिवलिंग के पास में आप बना करके थोड़ी देर बैठिए और भगवान का हर चीज के लिए, हर चीज जो आपको प्राप्त हो रही है चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा बुरा तो हम डिसाइड करते हैं, जो बेस्ट हमारे लिए होता है वो भगवान करते हैं। तो ये थी जानकारी श्रावण मास की शिवरात्रि के बारे में। अभी तक इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव, ओम नमः शिवाय।